सेवा नाम साई बंदे अलग है साई पूजा सेवा नाम साई बंदे अलग है साई पूजा हर जीवों में साई बसा है हर जीवों में साई बसा है कोई न लागे दूजा। ओम सराम, मेरा नाम इतिका है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। मैं बाबा से 2017 से जुड़ी हुई हूँ। जब मैं कॉलेज में थी तब उस टाइम से लेके अब तक बहुत अनुभव हुए हैं, छोटे बड़े बहुत अनुभव हुए हैं, लेकिन 2-3 ऐसे अनुभव हैं बड़े बड़े जो मैं आपको बताऊंगी। जब मैं 2017 में मतलब बाबा से जुड़ी थी और पहली बार हम शिरडी गए थे, तब मैं मतलब पहली बार से ही बाबा से बहुत अच्छे से जुड़ चुकी थी। मुझे टाइम नहीं लगा बाबा से जुड़ने में, क्योंकि बाबा ने पहले पहले ही मेरे साथ इतने अनुभव कर दिए कि मेरे को पूरा विश्वास हो गया था बाबा पे पहले ही साल में। लेकिन फिर भी मतलब अच्छा चल रहा था सब। पहले हमारे घर में बहुत मतलब अप्स एंड डाउन्स थे, लेकिन जब बाबा आए उसके बाद सब अच्छा हो गया, सब चीजें आ गई, घर भी बन गया और मैं भी अच्छे से पढ़ गई, सब हुआ। फिर मेरी 2021 में शादी हुई। ये मेरा सबसे बड़ा अनुभव है कि जो मेरे हस्बैंड हैं उनकी जो फैमिली है वो किसी और भगवान को मानते हैं। हम दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी, और लेकिन सिर्फ मेरे हस्बैंड हैं जो सिर्फ मतलब बचपन से ही बाबा को मानते हैं, और ये शादी हम दोनों की बाबा ने करवाई थी। और लेकिन जब मेरी शादी हुई उसके बाद कुछ ऐसे कारण थे कि मैं अपने घर में खुश नहीं थी। मेरे हस्बैंड की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो बाकी के मेंबर्स थे या तो मैं उनको सही नहीं लग रही थी या पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, मैं घर में खुश नहीं थी बिल्कुल भी। पहले ही 6 महीनों में बहुत बुरा हाल हो चुका था और मैं एकदम डिप्रेशन में चली गई थी और एकदम से बहुत बुरी हालत हो गई थी मेरी। लेकिन मैं बाबा की भक्ति मैंने कभी नहीं छोड़ी थी। हम शादी के बाद सबसे पहले हम शिरडी गए थे और बाबा की वहां से मैं प्रतिमा लाई थी अपने मंदिर के लिए। तब मेरा छोटा सा किचन में मंदिर था, तो वहां पे मैं अपने बाबा को बिठाया था वहां पे, और मैं बाबा की वहां पे पूजा करती थी। मैंने बहुत 1-1.5 साल तो मैंने बहुत कोशिश की सब कुछ अच्छा करने की, कि कोई भी नहीं चाहता परिवार से अलग होना, ठीक है। लड़ाई झगड़े सब होते थे लेकिन फिर भी हम झुक जाते थे, लेकिन कहीं भी कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था और दिन ब दिन कंडीशन बहुत खराब होती जा रही थी। मेरे हस्बैंड की शादी होते ही जॉब चली गई थी, वो भी उसका भी जो एग्जाम था वो भी मेरे ऊपर आया, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा टेंशन हो गई। कि जब इंसान की जेब में कुछ नहीं होता ना तो कोई साथ नहीं देता, घर के भी सब कोई साथ नहीं देता, उसकी वजह से हम दोनों हस्बैंड बहुत टेंशन में रहने लग गए थे। कोई मेंटल सपोर्ट नहीं, कोई कुछ सपोर्ट नहीं, सिर्फ एक बाबा ही थे जिन्होंने हमें उस कंडीशन में संभाल रखा था। और आज की जो कंडीशन है उस कंडीशन में बहुत फर्क है। फिर 1-1.5 साल बाद जब मैंने बहुत सोचा कि उसके बाद मेरी हार हो चुकी थी कि नहीं, फिर मैंने बाबा को बोलना शुरू किया। मैंने कहा बाबा कि अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मेरे को मेरा अपना घर चाहिए। वो लोग भी यही बोलते थे कि अपना किराए पे चले जाओ और हम तुम्हें टाइम पे आने पे सब दे देंगे हमें। लेकिन हमें अंदर से ये था कि हमें जब प्यार ही नहीं दे सकते तो कुछ और हमें चाहिए भी नहीं। मैंने बाबा को बोलना शुरू किया कि बाबा हमें अपनी मेहनत की कमाई का दो, हम अपना बनाएं और अपना आराम से सुख शांति से जीवन बिता सकें। और मैं बहुत रोती थी बाबा के आगे, बहुत रोती थी। हम लोग हर साल अक्टूबर में शिरडी जाते हैं, मेरे हस्बैंड का बर्थडे होता है तभी हम शिरडी जाते हैं। 2021 में मेरी शादी हुई थी और उसके बाद हम अक्टूबर में गए। 2021 में हम फरवरी में भी गए थे, क्योंकि फरवरी में शादी हुई थी हम लोगों की, तो हम फर्स्ट टाइम शिरडी गए थे। और उसके बाद फिर हम अक्टूबर में गए, फिर 2022 में हम अक्टूबर में गए, फिर जब 2023 में 2022 में भी शायद हम दो बार ही गए थे, लेकिन जब 2023 में हम लोग गए अक्टूबर में, नहीं 2023 में हम लोग फिर फरवरी में गए, तो
उस टाइम तक मैं बहुत ज्यादा टॉलरेट नहीं हो पा रहा था, बहुत बुरी हालत हो गई। तो जब मैं 2023 में फरवरी में गई थी तब मैं बाबा के आगे बहुत रोई थी, बहुत रोई थी कि, और मैं ये बोल के आई थी कि बाबा अभी बस बहुत हो गया, अगर अब भी आपने नहीं किया घर जाने के बाद, अगर आपने नहीं किया घर का तो मैं नहीं आऊंगी दोबारा। और उस टाइम हमारी फरवरी में एनिवर्सरी थी तो हम लोग इसलिए गए थे, लेकिन अक्टूबर में तो हम जाते ही जाते थे क्योंकि मेरे हस्बैंड बर्थडे अपना बाबा के साथ ही मनाते थे, मनाते हैं सॉरी। तो जब हम दोनों दोबारा, आप मानेंगे नहीं, मैं ये बात बोल के आई बाबा को फैब में कि मैं दोबारा नहीं आऊंगी अगर हमारा घर का नहीं हुआ अक्टूबर तक। जब मैं अक्टूबर में गई, आप लोग मानेंगे नहीं, हम लोग अपने घर से सीधे गए। बाबा ने अप्रैल मई जून 3 महीने के अंदर अंदर हमारे घर का काम करा दिया था। सितंबर में हम लोगों ने अपने घर का इनॉग्रेशन किया था, होम सेरेमनी की थी, और हम लोग अक्टूबर में अपने घर से ही शिरडी गए थे। ये है बाबा की महिमा। और जो बाबा पे विश्वास करता है उसको बाबा कभी भी निराश नहीं करते, हमेशा बाबा के वचनों पे विश्वास रखो। बाबा ने 11 वचन जो दिया फिर उनको विश्वास करो, देखो फिर क्या होता है, समर्पण करना पड़ेगा बाबा को। एक अनुभव और मैं बताना चाहूंगी, एक बार मैं क्या, मेरे पास जो छोटी प्रतिमा है जो मैं पहली बार लेके आई थी शिरडी से शादी के बाद, ये है वो, ये मैं शादी के बाद पहली बार जब मैं गई थी शिरडी तब मैं लाई थी। ऐसा हुआ था कि मैं अपने घर गई हुई थी अपने मायके एग्जाम्स देने के लिए, और हमारे घर में रूल था, मेरे और हस्बैंड का, मेरे दोनों का रूल था कि हम डेली बाबा को स्नान कराते हैं, चाहे वो कुछ करें ना करें, बाबा के कपड़े डेली चेंज होंगे, डेली स्नान होगा। मैं अपने हस्बैंड को बोल के गई थी कि अगर आप कर सको तो ठीक है, नहीं तो मैं बाबा को साथ ले जाती हूँ। और अपना वो, उन्हें बोला कि नहीं मैं कर लूंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है, मैं कर लूंगा बाबा की सेवा। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड अपना मंदिर में पूजा करने के लिए गए, उन्होंने स्नान करवाना शुरू किया बाबा को। बाबा की जो ये वाली बाजू है यहाँ पे, वो उनके हाथ में आ गई थी। तो उन्होंने मुझे फोन किया कि ऐसी सी बात है कि बाबा की ना जो बाजू है वो हाथ में आ गई। तो मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, क्योंकि जो ये होती तो उनकी मतलब उसकी बनी होती है, हम डेली स्नान करवाते हैं, स्नान करवाए और कपड़े पहना के वो अपना पूजा करते हैं फिर चले गए। मतलब मैंने भी इतना सोचा नहीं कि हो जाता है कोई बात नहीं। रात को क्या हुआ, और ये बाजू टूट चुकी थी बाबा की, रात को जब मेरे हस्बैंड ऑफिस से वापस आ रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी स्कूटी जो थी गाड़ी में जाके इतनी जोर से बजी और उनकी जो ये वाली बाजू थी वो पूरी सड़क पे एकदम रगड़ी गई। और मानेंगे नहीं कि उनकी बाजू पे अगर सड़क पे इतनी जोर से बाजू रगड़ेगी कुछ तो होगा, एक भी झूठ नहीं आई, एक भी खरोच नहीं आई। और उन्होंने मुझे रात को कॉल किया कि ना मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरी बाजू ऐसे रगड़ गई। तो मैं बहुत रोई, मैंने कहा बाबा ने सुबह अपने ऊपर हमारा कष्ट ले लिया। मैं सोचा था कि जब मैं अपना घर, मेरे को पता था बाबा घर तो देंगे ही देंगे, मैंने सोचा था कि जब मैं अपना घर ले लूंगी तो, मेरा वहां पे मंदिर नहीं था, मैंने किचन में एक छोटा सा चौकी पे मंदिर बनाया हुआ था, तो मैंने सोचा था कि मैं अपने घर, बड़े घर में जाके बड़ा मंदिर लूंगी, मतलब अपने घर में जाके सॉरी बड़ा मंदिर लूंगी और अपना बाबा को अच्छे से बिठाऊंगी और मैं बड़ी प्रतिमा लेके आऊंगी और ये वाली प्रतिमा मैं जल प्रवाह कर दूंगी। लेकिन उस दिन के बाद मैंने कहा ये प्रतिमा तो कहीं नहीं जाएगी, इस प्रतिमा ने मेरे सुहाग की रक्षा की, अपने ऊपर अपना मेरे हस्बैंड का कष्ट लिया, ये प्रतिमा कहीं नहीं जाएगी। मैं बड़ी बाबा बड़ी प्रतिमा भी लाई, अब मैं दोनों को बिठा के और उनकी दोनों की सेवा करती हूँ। सो यही है कि बाबा अपने बच्चों का कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, अगर तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम है तो मैं इतने दूर जरूर आऊंगी। बाबा पे विश्वास रखो, बाबा की पूजा करो, देखना फिर। मेरी लाइफ में बहुत सारे मेरिकल्स हुए हैं, बहुत ज्यादा मेरिकल्स हुए हैं, बहुत बड़े बड़े। एक मेरिकल और है कि जब हम लोग पहले पहले शिरडी गए थे तो मेरी मम्मी भी पूजा करते हैं बाबा की, तो उन्होंने जब हम काकड़ आरती में बैठे हुए थे तो उन्होंने बाबा को बोला था कि बाबा अगर
हम बहुत कुछ बोल देते हैं बाबा को, कभी कभी हमें खुद भी याद नहीं रहता कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन बाबा को तो पता है क्या बोला है इसने और मैंने क्या करना है। मम्मी ने बोल दिया कि बाबा अगर मैंने आपके सच में दिल से भक्ति किया ना, तो जो बाबा की सुबह रुद्राक्ष की माला पहनी होती है, आप उनमें उस माला में से ना मुझे अपनी इस माला में से एक रुद्राक्ष मुझे दोगे। तो मम्मी अपना बोल दिया कि मम्मी को खुद को याद नहीं कि मैंने क्या बोला है, ठीक है बोल दिया। लेकिन जब हम घर पे आए थोड़े दिनों के बाद, हमारे घर पे एक साधु से आए, आते रहते थे बहुत से, हमारे घर से कभी कोई मतलब हम कुछ लेना थे लेकिन खाने को कुछ ना कुछ जरूर दे देते थे। हमने गेट खोला, मैंने मम्मी कहीं जा रहे थे तो उन्होंने इकट्ठे गेट खोला, तो उन्होंने एकदम से देख के बोला कि उस टाइम पे मैं मतलब कुछ था घर में, क्या ही बताऊं, बहुत कुछ था घर में जो गलत था। उन्होंने बोला कि घर में ऐसी ऐसी चीजें हैं, और उन्होंने ये बोला कि आज से मेरी मम्मी को कि आज से मैं तेरे सारे दुख लेके जा रहा हूँ। उन्होंने अपने इस यहाँ पे इतनी जोर से काटा, इतनी जोर से काटा और पूरा निशान पड़ गया। हमें भी यही था कि हम इतना हम साधुओं में विश्वास नहीं करते थे, तो इतना थोड़ी पता था कि बाबा आएंगे भेस बदल के। तो क्या हुआ कि उन्होंने ना मेरी मम्मी को 1-10 का नोट दिया और उन्होंने बोला जाके ना अंदर खोल लो, मतलब मुट्ठी में लेके जाओ, अंदर पर्दे में खोल लो, किसी को दिखाना नहीं है। जब मेरी मम्मी ने अंदर जाके खोला, मुट्ठी खोली, तो उसमें एक रुद्राक्ष था, 10 का नोट रुद्राक्ष बन चुका था। और मम्मी ने मुझे अंदर बुलाया कि देखा देख ये क्या है। मेरी मम्मी को बाद में याद आया, तब भी याद नहीं आया मेरी मम्मी को, उस टाइम पे भी मैंने ऐसे ऐसे बोला था, बाद में एकदम से याद आया थोड़े दिनों बाद कि मैंने ऐसे ऐसे बोला था ये बाबा। मैंने कहा यार ये तो बाबा आए थे, बाबा आए थे और हम पहचान नहीं पाए, और वो दोबारा कभी दिखे भी नहीं, कभी भी दिखे वो वाले साधु जो आए थे वो कभी दिखे भी नहीं। तो बाबा आते हैं, विदेश बदल के आते हैं और तुम्हारे सारे दुख ले जाते हैं। मेरे बाबा ने सारे दुख दूर किए हैं, बाबा ने सब कुछ दिया है, सुख शांति दी है, सब दिया है। ओम साई राम। बाबा पे विश्वास करो, कभी भी ये मत सोचो अंदर से कि पता नहीं क्या होगा, जो होगा अच्छा होगा, बाबा जो करेंगे तुम्हारे भले के लिए अच्छा ही करेंगे, कभी बुरा नहीं करेंगे। उनपे समर्पण कर दो, पूरा समर्पण कर दो बस। ओम साई राम। Please do like, share and subscribe to our channel and don't forget to hit the bell icon. Thank you.